तो देखिए भाई साहब, हमारा जो आयुष्मान भारत कार्ड का न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसका हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी हम यहाँ पे लॉगिन करने जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह का एरर आता है, यूजर नॉट रजिस्टर्ड विद अस। तो इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्व जानेंगे, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। 4 या 5 मिनट का यह वीडियो होने वाला है, 100% आपका प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर दिया जाए। तो कैसे आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि NHF के पोर्टल पे आ गए हैं। इस पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मेन प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे यह आया है कि इस पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉग इन करते हैं, और लॉग इन करने जाते हैं तो यहाँ पे हमारा यह प्रॉब्लम आता है, यूजर नॉट रजिस्टर्ड विथ अस। तो चलिए इस प्रॉब्लम के बारे में हम जानते हैं, और जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, अगर आप आयुष्मान भारत में काम करना चाहते हैं, या खुद का कार्ड बनाने चाहते हैं, या अपने फैमिली का कार्ड बनाने चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इस पे एकदम क्लियर रूप से वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिंपल सा आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ वो वीडियो देखकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब हम अपना मेन मुद्दा और मेन प्रॉब्लम पर आते हैं कि यहाँ पे हम जो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने जाते हैं तो हमारा यूजर आईडी नॉट रजिस्टर्ड विद अस बताया जाता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। वहाँ पे जब CSE का लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का बताया जाता है। वहाँ पे आपका आयुष्मान भारत का डैशबोर्ड लॉग आउट करके आपको BIS पोर्टल पे जाने के लिए बोलता है। यह पोर्टल है जो CSE और NHA दोनों मतलब की सेम ही पोर्टल है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लॉगिन करते हो तो यहाँ पे यूजर नॉट वैलिड बताता है। इसका सोल्यूशन निकलते हुए यह आया है कि CSE खास करके बिहार स्टेट से जो आते हैं, जो यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक फॉर्म का मतलब कि एक फॉर्म बनाया। अगर आप CSE टीम से जुड़े हुए हैं, CSE के व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो आपको वो फॉर्म भेजा जाता है। फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद मतलब कि आपका CSE ID मैपिंग किया जाता है NHA पोर्टल में। जैसे ही आपका CSE ID NHA पोर्टल में मैपिंग कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करते थे, वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन मतलब कि डिसेबल करके डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऑपरेटर ID लॉगिन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो वो फॉर्म मतलब कि अभी तक हमारे पास नहीं आया, तो वो फॉर्म आप लोगों को हम बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, या एक व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट किए हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिंपल सा आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम से ज्वाइन हो। जैसे ही वो फॉर्म हमारे पास आता है तो मतलब कि आपको हम व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। उस फॉर्म के थ्रू आप अपना CSE ID और जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं फिल करके, जैसे ही आप DM को सेंड करेंगे तो वहाँ पे आपका ID मैपिंग कर दिया जाएगा, और यहाँ से आप CSE कनेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पे ऑपरेटर मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं ऑपरेटर के थ्रू। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जल्द ही इसका सोल्यूशन हम देंगे और वो फॉर्म आपको देंगे। और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं होना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे हम आपको सोल्यूशन देते हैं। डायरेक्ट आपका सोल्यूशन यह हो गया कि आपको अपने CSE DM से कांटेक्ट करना है। CSE DM से कांटेक्ट करने के बाद आपको मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वहां पे मांगा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आपको उनको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका CSE ID NHA पोर्टल के साथ मैप कर दिया जाएगा। मैप करने के बाद डायरेक्ट आप ऑपरेटर एज ए ऑपरेटर लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप CSE कनेक्टिंग करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यही हमारा इस पोर्टल को लॉगिन करने का प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। तो आप CSE DM से कांटेक्ट कीजिए, या CSE के मतलब डिस्ट्रिक्ट टीम से कांटेक्ट कीजिए, या आप हमारे यूट्यूब चैनल या आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। डायरेक्ट वहां पे जो फॉर्म हमको देगा बिहार स्टेट के लिए, वो फॉर्म आपको मतलब कि भेज देंगे, और आप वहां से अपने डिस्ट्रिक्ट के DM के पास सबमिट कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।